तरबियत मिलती है वो लोग करते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमको मालूम नहीं रहता कि पेरेंट्स के इंपॉर्टेंट क्या है। सो इंशाल्लाह आई विल लाइक टू लेट यू नो अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स बच्चों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, आगे कदमों के नीचे क्या है, जन्नत है। और वालिद के बारे में क्या फरमाया गया कि बाप जन्नत के दरवाजों में से निचला दरवाजा। तो ये बहुत अहम है हमारे लिए, ठीक है। इनकी खिदमत करना, इनको ओबीडियंट रहना, ये बहुत जरूरी है। इफ यू रियली वांट टू बी अ सक्सेसफुल, याद रखो ये बात, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, बगैर वालिदैन की दुआ के आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। वालिदैन की दुआ कब मिलेगी, जब वालिदैन की खिदमत करेंगे तो वालिदैन की दुआ मिलेगी, ठीक है। हम हमारे पास क्या है बच्चों, बाद बच्चे ऐसे रहते हैं जो वालिदैन को क्या कहते हैं, झिड़की भी देते हैं, फुड़के भी देते हैं, पढ़ा के जवाब भी देते हैं, बास को हाउ पुट आउट करते हैं, बास को ऊंची आवाज में बात करते हैं। दैट्स ट्रूली बैड, ये हमारे लिए बहुत बड़ा गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए जन्नत भी है जहन्नुम भी है। वो कैसे, अगर आप उनकी खिदमत करेंगे, ओबीडियंट रहेंगे, फरमाबरदारी करेंगे तो तुम्हारे लिए वो जन्नत है। अगर तुम इनके नाफरमानी करेंगे, उनके खिलाफ जाएंगे, तो तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए जहन्नुम बन जाएंगे। उनके खिलाफ जाना, उनकी नाफरमानी करना, उनके साथ बदतमीजी से बातचीत करना बहुत बड़ा गुनाह है। खबरदार हो जाओ, कभी वालिदैन के साथ हॉक उठाओ, बदतमीजी से बातचीत मत करना बच्चों, ठीक है ना। इल्म आने के बाद इंसान के अंदर आजिज़ी आती, इंकसारी आती, तकब्बुर, घमंड, फ़ख्र, ये कभी नहीं आना चाहिए। आइए बात समझने, इंसान के पास जितना इतना इल्म बढ़ता जाएगा वो उतना आजिज़ी अख्तियार करेगा। एक झाड़ है, उसको फूल लगते, जब ज़्यादा फूल उसको लगते हैं तो उतना झुका चले जाएगा, ठीक है। पर जिसके पास फूल नहीं रहेगा वो अकड़ा रहेगा, घमंड रहेगा। तो बच्चों जो है ना, अपन घमंड में कभी नहीं आना बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं, अपन ये आ गया वो आ गया, घमंड में नहीं आना। हमेशा याद रखना जिंदगी में बच्चों, इस पर सारी जिंदगी उसूल याद रखना, सक्सेसफुल अगर बनना है वालिदैन की खिदमत, इनकी फरमा पड़ता है, इनकी दुआएं लो बच्चों, इनकी दुआओं से आप बगैर मेहनत करे भी अल्लाह आपको आपके मुस्तकबिल में बहुत कुछ देगा। इनकी दुआएं ले, ठीक है ना, इनको अगर पुकारना है। एक बहुत प्यारा वाक्य मुझको याद आ रहा है, एक साहिब रसूल आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ जंग में चलना चाहता हूँ। उस वक्त जंग के लिए जा रहे थे, ठीक है, तो मैं आपके साथ जंग में चलना चाहता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुम्हारी वालदा जिंदा है, तो वो साहिब रसूल ने कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह मेरी वालदा जिंदा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए नबी की खिदमत करना बहुत बड़ी बात है, नबी के साथ जंग में जाना बहुत बड़ी बात है, नबी की फरमाबरदारी करना बहुत बड़ी बात है। इतना सब कुछ होने के बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब रसूल से कह रहे हैं कि जाओ अपने घर जाओ, अपनी माँ की खिदमत कर लो, वो तुम्हारे लिए मेरे साथ जंग में चलने से अफजल है। अपने घर जाओ, अपनी वालदा की खिदमत करो, उनको अकेला मत छोड़ो। याद रखो बच्चों, आप जिंदगी में कुछ भी हो जाए वालिदैन को कभी मत छोड़ना। हाँ, अगर आपको वालिदैन परमिशन दे रहे हैं, आप अब्रॉड जाना चाह रहे हैं स्टडीज़ के लिए, जॉब के लिए, बगैर वालिदैन की इजाज़त के कभी कोई कदम मत उठाना, वालिदैन को कभी अकेला तन्हा मत छोड़ना। सुने मेरी बात, याद रख लीजिए बात, हमको कनाडा नहीं चाहिए ना ऑस्ट्रेलिया चाहिए, अगर वालिदैन नाराज है तो हमको कुछ नहीं चाहिए, ना हमको दौलत चाहिए, ना ऐसी पढ़ाई हमको चाहिए। जो भी हमको चाहिए वालिदैन की रजामंदी के साथ चाहिए, उनका अदब व एहतराम करना, उनको कन्वेंस करना, आप जो भी करना चाहते हैं आपके लाइफ में फ्यूचर में कन्वेंस कर, उनको समझाइए, अगर उनको नहीं पता है तो उनको बताइए इंपॉर्टेंस क्या है, बताइए उनको, कन्वेंस करिए, पर उनको नाराज करी मत कीजिए। वालिद हो या वालदा हो, नाराज करी मत कीजिए। एक बहुत प्यारी स्टोरी मुझको एक और याद आ रही है कि एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ ले जा रहे थे, तो आप तीन दफ़ा आमीन का, कितने बार आमीन का, खुतबा तकमील हो गया, होने के बाद एंड अप होने के बाद जब आप वापस आए, सहाबा करने पूछा या रसूल अल्लाह माजरा क्या है, हम आपको देखते हैं कि आप मिंबर पर जब तशरीफ ले गए तो आप आमीन 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 का तीन दफ़ा आमीन का, हर सीढ़ी पे आपने आमीन का, रीज़न क्या है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास अभी अभी जिब्रील अलैहि सलाम आए। कौन है, और जिब्रील अलैहि सलाम फरिश्तों के इमाम हैं, फरिश्तों के इमाम हैं, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया के इमाम हैं, तमाम नबियों के इमाम हैं, ठीक है, हमारे नबी। अब दुआ करने वाले इतनी बड़ी शख्सियत फरिश्तों के इमाम, और उस दुआ के बाद आमीन कहने वाले हमारे नबी जो नबियों के इमाम हैं, ठीक है। पहली दुआ थी,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुआ की जिब्रील अलैहि सलाम ने, या रसूल अल्लाह हलाक हो जाए वो शख्स, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसने अपने वालिदैन को या उनमें से किसी एक को पाया और वो उसकी खिदमत ना किया, हलाक हो बर्बाद हो जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया, आमीन फरमाया। दूसरा वो शख्स जिसने माह रमज़ान को पाया और उसके रोज़े ना रखे, उसकी बख्शिश ना हो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया आमीन, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान को पाए और उसकी बख्शिश ना हो। तो रमज़ान का महीना भी आने वाला है, रजब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, शाबान आएगा फिर रमज़ान आएगा, तो रमज़ान के सारे रोज़े रखना है, अल्लाह से जो है ना मगफिरत तलब करना है, ठीक है ना। नंबर थ्री, जिब्रील अलैहि सलाम ने दुआ फरमाई हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और वो नबी पे दुरूद ना पढ़े, तो इमाम अल अंबिया ने आमीन पढ़ना है। जब कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने तो फौरन क्या कहना चाहिए, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आइए बात समझे। तो मैं इसमें आपको जो बात समझाना चाहता हूँ वो ये कि वालिदैन, अगर आपके वालिदैन जिंदा है, बच्चों खिदमत करो, इनकी फरमाबरदारी, उनका रेस्पेक्ट करो, उनके साथ झिड़की मत करो। रब तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वला तक़ुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन लय्यना, कि तुम अपने वालिदैन को खबरदार उफ तक मत कहना। क्या नहीं कहना? उफ तक। देखो कितना तुमने जुमला तो दूर की बात, एक लफ्ज तो दूर की बात, तुम्हें क्या तक नहीं कहना? वला तनहरहुमा, और ना उन्हें बदतमीजी से बात करना, ऊंची आवाज में बात करना, क्या आवाज में करना, में लाहो पलटा के ऊंची आवाज में जवाब देना बहुत बड़ा गुना है। अपने वालिदैन को कभी पलटा कर ऊंची आवाज में झिड़की नहीं, गुस्सा आ रहा है खामोश बैठ जाओ, गुस्से को पी जाओ अपने वालिदैन पे, कभी गुस्से को जाहिर मत करो, कभी अपने वालिदैन के ऊपर गुस्से को, चाहे वालिद हो या वालदा हो, कभी गुस्से को उनके ऊपर जाहिर, पानी की तरह पी जाओ गुस्से को। जी हाजिर हो मैं आपकी खिदमत में, तुम गुलाम हो अपने वालिदैन का, तुम नौकर हो उनके, उनकी खिदमत करो। आई आवाज समझ में? तो कभी भी वकुल लहुमा कौरन लय्यना, कुरान कहता है कि उनसे नरमी से बात करो, नरम लहजे में बात करो, आप से बात करो, जी से बात करो, छिड़की दे रहे बैठा कर घूर के देख रहे वालिदैन, तो कभी खबरदार इस तरह से कभी मत करना अपने वालिदैन के साथ। आइए बात समझ बच्चों, एक बहुत ही प्यारी स्टोरी मुझे हदीस से याद आई, एक आखिरी स्टोरी मैं आपको बोलूँगा बच्चों। एक साहिब रसूल आए तो उन्होंने अपने वालिद की शिकायत की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कंप्लेन की अपने पेरेंट वालिद को लेकर, कहे कि या रसूलल्लाह मैं पैसे कमा के लाता हूँ, मेरे वालिद सारा पैसा जो है ना खर्चा कर देते हैं, मैं कमा के ला रहा हूँ, मेरे वालिद मेरे पैसे जो है ना खर्चा कर रहे हैं। तो वो शिकायत नबी पाक की बारगाह में साहिब रसूल ने कर, तो नबी पाक ने कहा कि जो अपने वालिद को बुला के लेकर, उनको वो खबर पहुँच गई कि उनके बेटे ने नबी की बारगाह में उनकी शिकायत करो। तो वालिद साहब जो है ना बड़े अफसरदा हो गए कि मेरे बेटे ने मेरी शिकायत नबी की बारगाह में कर दी कि मैं उसके पैसे खर्चा कर रहा हूँ। तो वो बहुत अफसरदा हो गए, नाराज़ हो गए अपने बेटे से। तो वो दिल ही दिल में जो है ना एक पोयम है, अशआर है, उसको दिल ही दिल में आप जो है ना गुनगुनाते हुए मतलब याद करते हुए जा रहे थे कि मैं नबी की बारगाह में ये पोयम सुनाऊँगा कि मैंने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, इसकी परवरिश में, इसको पाल पोस में, बड़ा करने में, पढ़ा लिखा बनाने में, उसको समझदार बनाने में मैंने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की। ये नज़म सुनते हुए मतलब वो अपने माइंड में क्रिएट करते हुए जा रहे हैं। तो वो नबी की बारगाह में पहुंचने से कबल जिब्रील अलैहि सलाम पहुंच गए, कहाँ के या रसूलल्लाह इसकी बात बाद में सुनना, पहले इनसे ये कहिए कि जो ये पोयम अपने दिल में सोच रहे थे नज़म वो पलट करके सुना। तो वालिद साहब नबी की बारगाह में आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारे जो दिल में पोयम चल रही थी हमें ज़रा पढ़ के सुना क्या है वो। तो वालिद साहब ने वो पोयम पढ़ा, इतनी प्यारी पोयम थी, मैं उर्दू में कुछ उसके अल्फाज का बयान कर रहा हूँ कि मेरा बेटा जब छोटा था तो मैंने उसको पाल पोस उसके बड़ा किया, उसको खाने के लिए कुछ नहीं था, हमने उसको खिलाया, हम भूखे थे यार उसका, हमारे पास कपड़े भी नहीं थे तो हमने उसको कपड़ा पहनाया, हमने उसको पाला पोसा बड़ा किया सब कुछ, इसके हमने पैसा खर्चा किया, उसको हमने खिलाया पिलाया सब कुछ किया है। ये नज़म के अशआर थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशआर सुनने के बाद आँख से आंसू जारी हो गए। तो वो लड़के को बुलाया, बेटे को बुलाया, जरा तो वो आए, कहा कि अंत व मालुक ली अभी, तुम और तुम्हारी सारी दौलत तुम्हारे वालिद की है। याद रखो बच्चों, तुम अपने वालिद के नौकर नौकर हो, उनकी जी हुजूरी करो, उनकी खिदमत करो, उनके पांव दबाओ रोजाना रोजाना, उनकी खिदमत करो। बुलाए फौरन कह के हाजिर हो जाए, लब्बैक हाजिर हूं मैं,
उनके साथ झिड़की बदतमीजी कभी हरगिज जायज नहीं है। मैं आपको चंद आदाब के तरीके से बताता हूँ कि किस तरह से हम अपने पेरेंट्स का आदाब करें। जब पेरेंट्स नीचे बैठे हो तो तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम ऊपर बैठो, तुम भी नीचे बैठ जाओ। देखिए आपके कॉलेज में टीचर आते, आप लोग गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करके सब खड़े होते नहीं होते कॉलेज में, खड़े होते ना आप अपने टीचर का रिस्पेक्ट करते। जब आपके घर में वालिदैन आए तो आप क्या खड़े होते उनका अदब करते हैं? नहीं, दैट्स ट्रूली बैड। अपने घर में भी जब वालिदे वालिद या वाला दोनों में से कोई है या दोनों भी जब कभी तुम्हारे घर में इंटर हो फौरन अदब से खड़े हो जाओ, डोर के पास जाके उन्हें वेलकम करके लाओ, पहले उन्हें बिठाओ बांध और खुद बैठो। आइए बात समझ में। जब वो जाने लगे तो डोर तक जाके उनको सी ऑफ करो, गुड बाय करो। आइए बात समझ में। ये रेस्पेक्ट से पेरेंट्स पाँव फैला कर बैठे हैं वालिदैन के सामने, अदब के खिलाफ। टांग पर टांग रख के बैठे हैं आप वालिदैन के सामने, अदब के खिलाफ। वालिदैन चल रहे हैं आप भी साथ में हैं तो पहले वालिद को आगे चलने दीजिए, आप पीछे पीछे आइए। वालिदैन को ओवरटेक नहीं कर सकते, ये अदब के खिलाफ, उनका सहारा बनिए बच्चे, ठीक है ना। आज तुम जो है ना अट्ठे कट्टे हो, नौजवान हो, कल वक्त आएगा ठीक है वो लोग आपके मोहताज बन जाएंगे। क्या तुम उस वक्त भी कहोगे मैं बिजी हूँ, मेरे को ऑफिस पे जाना है, मुझे जॉब पे जाना है, तुम जो भी कर लो मैं जा रहा हूँ? ना 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 बच्चों, कभी जिंदगी में हर चीज ऐसा मत करो। अपने वालिदैन का सहारा बनिए, उनका सपोर्ट बनिए। आइए बस मैंने उनसे अदब से बात करिए, अदब से अहद करो, अजम करो बच्चों, कभी जिंदगी में वालिदैन को उफ़ मत करो, झिड़की मत दो, पलटा के जवाब मत दो, घूर के मत देखो, गुस्सा उनके सामने जाहिर मत करो, गुस्सा कभी वालिदैन के ऊपर जाहिर मत करो। तुम होते कौन हो अपने वालिदैन को पलटा के जवाब देने वाले? पिक एंड ड्रॉप करना है ठीक है, जाके पिक एंड ड्रॉप कीजिए, बताओ हमें से कितने हैं ठीक है। वालिदैन का अदब नहीं कर रहे हमें से कितने, किसी ने कभी अपनी वालदा को खुद अपने हाथ पे जूती पहनाई? आप पहनाओ, उनकी खिदमत करो, ये तुम्हारे लिए जन्नत है, उनकी खिदमत करो, सर्व करो। आइए बस मंगे ठीक है, पानी मंगाए तो पानी फौरन दे दो, पानी उनको पेश कर दो, खाना है कुछ भी ठीक है पेश कर दो फौरन, हाथ बटाओ। किचन में भी पॉसिबल है, किचन में भी, नेवर ट्राई टू शाई, नेवर ट्राई टू हेजिटेट, उनका हाथ बटाओ। आइए बस मंगे, चाहे कपड़े धोने में हो, सफाई में हो, किचन में हो, कुछ भी हो बच्चों, नेवर ट्राई टू शाई। मेरी वालदा है कितनी तकलीफें बर्दाश्त कर गया तुम्हारे खाते और तुमने उन्हें क्या दिया बच्चों बैठाकर? आपके कॉलेज का खर्चा वो उठा रहे हैं, आपके सारे फरमाइशें वो पूरा कर रहे हैं, आप जो भी आपको चाहिए, मुझको ड्रेस चाहिए, ईद आ रही है, न्यू ड्रेस आपको दे रहे हैं, खुद नहीं पहन रहे हैं बच्चों, वालिद खुद अपना नया ड्रेस ईद का नहीं पहनने पर अपने बच्चों को पहना रहे हैं आपके खातिर, और आप जो है पढ़ा के उन्हें कुछ नहीं दे रहे। मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, स्ट्रगल करो, रिजल्ट दो, रिजल्ट जब वो देखेंगे तो उनके चेहरे पे स्माइल आएगी। आइए बस मैंने तो उनके खातिर, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मेरा पढ़ने का मन नहीं कर, बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी भी जो है ना सीरियस नहीं हुए, अभी भी सीरियस नहीं हुए पढ़े को लेकर, याद रखना अपने खातिर नहीं पढ़ना है ना पढ़ो, पर वालिदैन के खातिर पढ़ो बच्चों। आइए बस मैंने अपने पेरेंट्स के खातिर पढ़ो, उनको स्माइल देने के खातिर पढ़ो, क्लियर है बस मैंने? तो उनका अदब व एहतराम बस जितना उसे उतना करो, तो ये सारी चीजें, और साथ ही साथ अपने उस्ताद का भी अदब, उस्ताद के साथ झिड़की देना, उस्ताद के साथ कोई भी बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए बच्चों, अदब करो। ये वो उस्ताद है तुमको इल्म दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, अगर कोई तुमको इल्म नहीं देता तो तुम जाहिल बने रहते, आपको जाहिल से आलिम बना रहे हैं, पढ़ा लिखा बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं? उस्ताद बना रहे हैं। आइए बात समझ में, तो उस्ताद का मतलब वालिद की तरह होता है ठीक है ना, कॉलेज के हो कहीं के भी उस्ताद हो ठीक है, झिड़की नहीं देना चाहिए, बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए, उनके प्रॉपर्टीज को डैमेज नहीं करना चाहिए ठीक है, उस्ताद की गाड़ी हो कुछ भी हो कोई बदतमीजी नहीं करना ठीक है ना। अरे बहुत टाइम मारा ना एग्जाम में, देखो गाड़ी को ये सब बहुत बुरी हरकत है, कभी मत करना। आइए बस मैंने अपने उस्ताद का अदब करो जिनसे तुम इल्म सीखते हो ठीक है ना। एक आखिरी बात कहता हूँ मैं, जब तक तुम्हारे अंदर अदब नहीं आएगा तुम्हारे अंदर इल्म नहीं आएगा। अदब है तो इल्म है, अदब नहीं तो इल्म ही नहीं है। तो अपने उस्ताद का, अपने वालिदैन का, अपने किताबों का, बुक्स का, हत्ता के पेन है बच्चों, इसका भी अदब करो, इसको मत फेंको, उसके नीचे मत गिराओ, गिरा तो उठा लो इसको। आइए बस मैंने अदब करो, जितना तुम अदब करेंगे उतना तुम्हारे अंदर इल्म आएगा। आइए बस मैंने, सो रेस्पेक्ट एवरीथिंग ठीक है।
दैट्स ऑल फॉर द सेशन। नाउ अभी मैं जो प्रॉब्लम किया हूँ